तुम इतनी बैठी हो, कथा सुनने आई हो, हाथ उठाओ सवेरे कोको अपने पति के पांच छुए थे। दादा देख तो उठो एक हाथ, एक हाथ उठो सर, और तुम सबका भार झोंकना आई, तुम सबका भार झोंकना आई। जब सवेरे पति के पैर नहीं छू सकती हो तो बताओ तुम्हें अब की बार मनुष्य भगवान नहीं बनाएगा, तुम सुअरिया के पेट में जाए हो। सोच लो, पति के पैर छूना सीता अनसुईया दमयंती सावित्री इन्हें को मंदिर में जाए खोपड़ी ना मारी, मंदिर में इन्होंने पति में परमेश्वर देखो। और तुम सवेरे पैर नहीं छूती हो, बताओ। हम जिस मकान में रुके हैं भाई, एक माता जी सुबह ही आती, बहुत काम करती, बिल्कुल सफाई करती। तो मैंने जब उनको देखा तो मन ही मन में कहा कि परमात्मा ऐसी नारियां भी हैं जो घर को शाप रख करके हृदय को भी शाप रखती। और तुम इतनी बैठी हो, पंखा चलाए रही हो, कोई घूंघट मारे हो, तुमने जब सवेरे पति के पैर ना छुए तो तुम का करना आई ये तो बताओ। इसलिए बहनाओं, अगर कल्याण चाहती हो तो आज ही से पति के पैर छूना। बहुत सी मन ही मन में कहती हूँ कि हमारे तो परदेश में नौकरी कर रही। अगर तुम्हारे परदेश में नौकरी कर रहे हैं तो तुम सवेरे जगो और उनकी सूरत याद करो और मन ही मन में उन्हें नमस्कार करो। ध्यान रखो, अगर आत्मा का कल्याण चाहती हो तो ढोल मंजीरा से कल्याण नहीं होगा। आज से सुबह पैर छूना, पैर छोयो, अच्छा हाथ उठाओ को छोये सवेरे पाए। जे कछु नहीं करें लोगो, जे कछु नहीं करें, तुम पे पांच छोबाए तो लिए तुम्हें छोए ना। लेकिन ध्यान रखो, बुतरिया सात जन्म दुख पावेगी जो पत संग दगा करे। बुतरिया सात जन्म दुख पावेगी जो पत संग दगा करे। सात जन्म दुख पावेगी जो पत संग दगा करे। जन्म दुख पावेगी जो पति
दुख पावेगी जो पति संग दास रे। ऐसे गलती योनियों में भटकती रहोगी तुम, इसीलिए आज से पति को ही परमेश्वर समझना और सुबह उठकर उनके पैर छूना। भाइयों, रानी सुनीता पतिव्रता है, याद रखना भाइयों। पहले की नारियां पति में परमेश्वर देखती थी, लेकिन अब जो मंदिर में जाती हैं, सतिया धरी आती हैं, वो कहती बहू की गोद में लला आ जाए, मैं फिर आऊंगी मंदिर में, बताओ पहनाओ। मंदिरों में जाकर पत्थर पे औलाद मांगती है, अरे पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मई नहीं, और कोशिश से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोशिश से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं, कोशिश नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। याद रखो बहनों, द्वारा कौन नहीं पा सकता है, सब पे में मुक्त के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ईश्वर के जा दर्शन हो पे कौन नहीं जा सकता है, जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है, जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है, पाप कटे तो कौन नहीं ना सकता। लेकिन हिंदू तेरा तो कमाल है, एक महीना खूब बुरे कर्म कर, एक महीना और पूर्णमासी को चलो जा गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा मैया को दिया और एक महीना को परमिट फिर बनवा जाए, एक महीना को परमिट फिर बुरे कर्म कर और फिर चलो जा गंगा में डुबकी लगाए, सब पाप गंगा मैया को दिया और एक महीना को लाइसेंस फिर बनवाए जाए। बारे हिंदू भगवान को याद रखो, भगवान पागल नहीं है। जैसे बछड़ा अपनी हजारों गान में अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान लेता है। जो पाप तू कर चुका है इनके कर्म भोगने पड़ेंगे। गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं ना सकता है, सौ रुपए में मुक्त के द्वारा कौन नहीं पा सकता है, ईश्वर के जन दर्शन हो गए पर कौन नहीं जा सकता है, और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। सिन्नी बाट तो मर चली गई, बुढ़िया बेकुंठ में गई नहीं, और तू 10-20 रुपया दे देता पंडों को, तो समझता है कि मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, और सब चोरों को ताले होते, चोरों को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना,
और दिल के भीतर ते रोती तो जाती सासुगर छोरी ना। ए जाती सासुगर कोई ना भाइयो, जाती सासुगर कोई ना, दिल के भीतर से रोती तो जाती सासुगर कोई ना। याद रखना बहनाओ, सच बात तो ये है, परमपिता परमात्मा उसी की सच्ची उपासना करनी चाहिए। रानी सुनीता पतिव्रता है, एक दिन महाराज उत्तानपाद दरबार को खत्म करके जब महलों में गए, रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया अपने पिया के लिए, पानी भर के दिया। राजा ने पानी जमीन पर रख दिया, रानी घुटनों के बल बैठ गई, उसने अपना सर अपने पिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा, नहीं मालूम पड़ा महाराज उत्तानपाद को कि गोद में सर रख के रखे रानी सुनीता फक 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 के रोने लगी। जब फक के रोई है तो राजा ने हाथ में सर लिया, आंखें में आंखें डाल के कहा, क्या बात है, तुम रो रही हो? रानी बोली, हां पिया मैं रो रही। क्यों? घर के नौकर ने आदेश का पालन नहीं किया या किसी बांदी ने बदतमीजी की? तो रानी कहने लगी, महाराज क्या हिम्मत है नौकरों की मेरे आदेश का पालन न करें, हम जैसी अभागी ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगा दिया। राजा चौंका, कैसा कलंक? तो कहने लगी, कितने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, गांव की औरतें हमें देख के पीठ फिर के खड़ी हो जाती और कहती, बहना आज दिन खराब हुई हो, बांजक मुंह देख लो। एक कात नहीं जब बांध ना जब दूल्हा कमजोर है, ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसीलिए रोई। राजा कहने लगे, पागल आंसू पोंछ ले, औलाद बनाना मर्द और औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना परमात्मा का काम है, याद रखो। रानी कहने लगी, पिया ये तो मैं भी जानती हूँ, ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र संसार है, आलसी कहता मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा, हाथ हाथ धर के बैठ जाना कर्मवीर का काम नहीं है महाराज। राजा कहने लगे, तो क्या करूं, औलाद के लिए लाठी चलाऊं? कहने लगी, लाठी नहीं चलाओ, एक काम करो। क्या? दो कर जोड़े हाथ, सुनो पति बात वरदने के मेरी,
तुम दूजो करियो प्यार करो मत सैया दे शादी कर ले महाराज बिना बेटा के आंगन सूना है। राजा कहने लगे तुम पागल हो गई, तुम एक बात नहीं जानती क्या है मौत बुरी लेकिन अच्छी ये कई बार जो आती है ये कई बार जो आती है और सोच मौत से बहुत बुरी हो जाती सोच मौत से बहुत बुरी छाती दिन राती जगाती है छाती दिन राती जगाती है किसने बहका दिया तुम्हें। रानी बोली पिया मुझे काल ना है बहका तो तुम नहीं जानती हो एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं जा सकती। रानी बोली पिया आप इसीलिए तो डर रहे कि सोच घर में आ जाएगी तो झगड़ा होगा। महाराज बोले बिना झगड़ा हुआ बचेगा ही नहीं। तो रानी बोली मौत काय को करेगी रहूं ताबेदार बनूं गोबरहारी इतने पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो न्यारी अरे प्रिया करियो न्यारी हमें करियो न्यारी सैया
करियो न्यारी। मान जा सोती है रोष बहुत बुरा होता है। रानी कहने लगी महाराज दूसरी शादी कर लो, मैं गोबर हारी तक बन जाऊंगी और फिर भी झगड़ा करे सोते हमसे तो हमें अलग कर देना। महाराज कहने लगे समझ लो